वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग की टाइम है, हम आए थे छत पे क्योंकि कुछ सब्जी लेनी है और मैं आपको वही दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सा तोड़ाई हुई है जो कि हम लोग घिवड़ा भी बोलते हैं, तो उसका सब्जी बनाने वाले हैं। तो सोचे पहले तोड़ लेते हैं क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ। देखिए चलिए फ्रेंड, जल्दी से मैं सब्जी ले लेती हूँ और आज मैं आप सभी के साथ कुछ न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और फ्रेंड यहाँ देखिए, मैं आज आप सभी के साथ एक खुशखबरी जो है वो शेयर करूँगी, और क्या खुशखबरी है वो भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो बहुत कम आ रही है, इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब जा रही है। तो यहाँ देखिए बहुत मेहनत और लगन के साथ जुटे हुए थे, और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार और आप सभी का सपोर्ट के कारण हमारा ये गूगल पिन जो है आ गया है। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। आशा करते हैं जो आप आगे तक हमारा साथ दीजिएगा, और जितने हमारे फ्रेंड हैं यहाँ तक मुझे लाने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। जितने हमारे भाई बहन हैं बहुत सपोर्ट किए, और जितने हमारे भाई हैं, खासकर जितने मेरे भाई हैं यूट्यूब पे, सभी फुल सपोर्ट किए, इसी वजह से मेरा ये आज हो पाया है। तो सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे तक। और सबको क्या बताएं, बहुत खुशी मिल रही है। और ये देखिए आ ही गया है, लेकिन ये वीडियो पहले मैं नहीं डाल पाई थी। गूगल पिन बहुत पहले ही आया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन पिन जब आई थी सुबह सुबह, हम लेने गए थे, हमारे पास में पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से लेके आए हैं। हमारे घर के बगल में ही है, हमारे घर से 10 मिनट लगती है जाने में। तो आखिरकार आ गया है, तो यही सोचे आप सभी के साथ वीडियो बनाकर डालूँ। अभी सुबह मॉर्निंग की टाइम है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ देखिए कितना बारिश हो रही है, मतलब क्या बताएं, काफ़ी बारिश हो रही है कुछ दिनों से। तो हमारी छत की हालत जो है पूरा ख़राब हो गई है, मतलब इतना बारिश हो रही है ना, इस वजह से आप देख पा रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर सही हो जाती है। और यहाँ देखिए तुरई जो है मैं तोड़ लूँगी, सोची हूँ गर्मा गर्म तुरई की सब्ज़ी सुबह सुबह हम बना ले, तो इसका सब्ज़ी बनाएँगे। और आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए पपीता का पौधा है, पेड़ है, देखिए नीचे पपीता का पेड़ है, इसमें पपीता भी हुई है, पापा जी लगाया है घर के पीछे में। तो और इधर देखिए फ्रेंड, येलो कलर के फूल है जो कि पूजा भी करते हैं। और यहाँ देखिए हम किचन में आ गए हैं, और यहाँ से हमारी किचन की जो है काम शुरू हो जाएगी खाना बनाने की। तो अभी से लेकर, सुबह से लेकर 3 बजे तक काफ़ी बिजी रहते फ्रेंड। तो यहाँ तो चलिए फ्रेंड जल्दी से हम सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर से छत से मैं लेकर आई हूँ तुरई, तो अच्छे से धोकर काट ली हूँ, और उसके बाद इसका सब्जी बना लेंगे। और सिंपल सा सब्जी बनाऊंगी, कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। और आप सब कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा। तो इसका रेसिपी हम शेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारी तुरई की सब्जी बनकर तैयार है, और चना दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी, और साथ में दही भी था। तो सुबह का नाश्ता सभी का हो चुका था फ्रेंड, और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ देखिए दोपहर का लंच के लिए मैं बना रही हूँ कच्चे केले का जो फूल होती है ना उसका सब्जी, जो कि आप सभी अगर खाए हैं कि नहीं प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और यहाँ देखिए मैं इसे इस तरीके से बनाऊंगी, ये फूल जो होती है ना काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे हर कोई खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो ये वाला जो हिस्सा होती है ना, इसे हटाना पड़ता है, तो मैं हटाकर अच्छे से साफ करके धो ली हूँ, और धोने के बाद अच्छे से प्रेशर कुकर में सीटी लगा लिए है, तो काफ़ी अच्छे से गल जाती है। तो अच्छे से सीटी लगा कर उसके बाद मैं देखिए कढ़ाई बिठा दिए है, और फटाफट मैं केला का जो फूल है उसका सब्जी बना लूँगी। और आप लोग भी जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ देखिए जीरा अदरक और गरम मसाला इसमें ज़्यादा डाला जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। गोलमरीच और इलायची ये सब देकर मैं मसाला भी पीस ली हूँ। और यहाँ देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है हमारी, और थोड़ा सा मैं जीरा ऐड कर दूँगी। और जीरा ऐड करने के बाद जो मसाला हम पीसे थे ना, गोलमरीच, जीरा, इलायची, ये सब मैं ऐड करती हूँ। इसमें नमक हल्दी और आपके हिसाब से आपको जो मसाला पसंद है, लेकिन इसमें गरम मसाला ज़्यादा मतलब ऐड होती है। और अच्छे से मसाला को हम फ्राई कर लेंगे, और आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर से मसाला फ्राई हो गई है। मसाला फ्राई होने से ना साइड से तेल जो है निकल आती है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए मसाला फ्राई हो चुकी है। अब जाकर हम ऐड कर देंगे कच्चे केले का जो फूल है जिसे हम उबाल कर रखे हैं। तो यहाँ देखिए कच्चे केले का फूल जो है जो उबाल कर रखी थी मैं ऐड कर दी हूँ। और कच्चा केला का फूल को जो अगर आप लोग
सीटी लगाना तो पानी मत फेंकिएगा, क्योंकि इसी में विटामिन होती है, ब्लड अच्छा होता है और सेहत भी अच्छी होती है। तो यहाँ देखिए ढककर मैं उस तरह से पका रही हूँ और बहुत ही सुंदर से बन जाएगी क्रीम। यहाँ देखिए कितना सुंदर बन गया, काफ़ी टेस्टी होती है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप लोग जरूर कच्चा केला का जो फूल होती है ना उसका सब्ज़ी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और दो हरा मिर्च डाल दी है जिससे काफ़ी टेस्टी लगती है। अब जाके मैं घी ऐड कर दी थी, घी मतलब शुद्ध देसी घी आप ऐड करके उसके बाद आप उतार लीजिए। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, काफ़ी टेस्टी होती है और इसके साथ आप रोटी चावल कुछ भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे कच्चे केले की जो फूल होती है उसकी सब्ज़ी का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यहाँ देखिए पनीर और फूल गोभी आलू की सब्ज़ी भी बना रही थी, तो सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। सो हेलो फ्रेंड, तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इधर एक और सब्जी बन रही है। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आप लोग केला का जो फूल होती है ना उनका सब्जी एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, ये काफ़ी फायदेमंद होती है। जिसके शरीर में ब्लड कम है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे डॉक्टर बोले थे इस तरह की सब्जी खाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी तबीयत खराब चल रही है, तो इस वजह से ये सब्जी बनाया है और ये सब्जी हम सभी मिलकर खाएंगे। तो आप लोग भी ये सब्जी जरूर बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।